मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांतिगुंज पब्लिक स्कूल। सारी गर्ल्स अपनी सोशियोलॉजी की बुक ओपन करेंगे और हमारा चैप्टर चल रहा है समाजशास्त्र का परिचय। इसका आपका 4 नंबर, ठीक है, 3 तक मैंने कंप्लीट कराया था, उससे लास्ट आगे वाला आप निकालेंगे 4, समाजशास्त्र का परिचय। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज का एक अंतर संबंधित समर्ग के रूप में अध्ययन करने के समाजशास्त्र के मुख्य सरोकार एवं समाजशास्त्रीय कल्पनाओं के बारे में आपको पहले से ही परिचय दिया है। मैंने आपको बताया है कि समाज का अंतर संबंधित समर्ग क्या है उसके बारे में, ठीक है। व्यक्तिगत पसंद और नौकरी के बाजार पर हमारी परिचर्चा से पता चलता है, यानी कि जो हम पर्सनल अपनी जॉब करते हैं, पर्सनल हमारी जो नौकरी है, जॉब अपनी पसंद करते हैं या फिर कोई भी पसंद, इसके बारे में जब हमने बात की तो पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं अंतर संबंधित होती हैं, यानी कि आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, पारिवारिक हैं, सांस्कृतिक और शिक्षण संस्थाएं आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई हैं और किस प्रकार एक व्यक्ति इससे बंधा हुआ है, क्योंकि कुछ सीमा तक इसको बदल भी सकता है। अगर आप चाहें तो अपनी इस स्थिति को आप बदल भी सकते हैं। अगले कुछ अध्याय में विभिन्न संस्थाओं और साथ ही साथ संस्कृति पर आधारित होंगे। ये समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख शब्दावली एवं संकल्पनाओं पर भी केंद्रित होंगे, जैसे कि जिसे समाज को समझने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि समाजशास्त्र क्या है, मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूह और समाजों का अध्ययन करता है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या करता है, मनुष्य का जो हमारा जो सामाजिक जीवन है, हमारे जो समूह है, हमारा जो समाज है, उसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये इसकी व्यवहार की एक विषय वस्तु है। समाजशास्त्र एक ऐसा कार्य करने वाला पहला विषय नहीं है। लोगों ने हमेशा से समाज और समूह को देखा और समझा है। बहुत से लोग आए जिन्होंने समाज को जो है समझा, समझने की कोशिश की, उसके बारे में जाना, उसके बारे में बताया, ठीक है, जिसमें वे रहते हैं। ये सभी सभ्यताएं और युगों के दार्शनिक, धार्मिक गुरुओं और विधि वेताओं की पुस्तकों से ये चीज़ स्पष्ट होती है। अपने जीवन और अपने समाज के बारे में सोचने वाला मानव स्वभाव केवल दार्शनिक एवं सामाजिक विचारों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल समाज के लिए जो है दार्शनिक लोग या सामाजिक के जो विचारक होते हैं वही लोग सोचेंगे समाज और उसके बारे में, ऐसा नहीं है, ये सीमित नहीं है। हम सभी के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बारे में, दूसरे की ज़िंदगी के बारे में भी अपने अपने विचार रहते हैं। मान लीजिए हमारी जो अपनी डेली यूज की जो लाइफ है उसके बारे में हमारे विचार अलग होते हैं और दूसरों की ज़िंदगी के बारे में हमारे विचार अलग होते हैं। तो ये रोज़ाना की हमारी धारणाएं और हमारी सामान्य बौद्धिक समझ ही है जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से हम चीज़ को समझ रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। तो भी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में प्रेक्षण एवं विचार दार्शनिक अनुचिंतनों एवं सामाजिक बौद्ध समाज से हटकर है। मानव व्यवहार क्या है, या नैतिक है और क्या अनैतिक है, यानी कि हमारा जो व्यवहार है यह नैतिक है या फिर अनैतिक है, रहन सहन के वांछित तरीके एवं अच्छे समाज के बारे में दार्शनिक धार्मिक विचार अक्सर निरीक्षण करते रहते हैं। मान लीजिए हम देखते हैं सामने वाले का कि भाई उसका व्यवहार नैतिक है या अनैतिक है, उसका रहन सहन कैसा है, उसके जो अच्छा समाज के जो तरीके हैं वो क्या हैं, तो ये जो हमारा नज़रिया होता है दार्शनिक तरफ से, धार्मिक विचार के धार्मिक ओर से, दार्शनिक तरफ से हम इन सब चीज़ों का निरीक्षण करते रहते हैं। ठीक है, फिर है समाजशास्त्र का सरोहर भी मानकों एवं मूल्यों के प्रति है, लेकिन इसकी मुख्य दृष्टि इन मानकों एवं मूल्यों से परे उन उद्देश्यों पर है जिनका लोगों को अनुसरण करना चाहिए। इसका सरोकार इस तरीके से है कि इसके तहत वे वास्तविक जो समाजों में कार्य करते हैं, जैसे कि धर्म, समाजशास्त्र, ईश्वर मीमांसी अध्ययन से अलग है। समाजों का आनुभाविक अध्ययन समाजशास्त्रियों के कार्य का एक अहम हिस्सा होता है। इस बात का यह कदापि नहीं कि समाजशास्त्र का मूल्यों के प्रति कोई सरोकार नहीं होता। इसका तात्पर्य कि एक समाजशास्त्री एक समाज का अध्ययन करता है, लेकिन तब वह जानकारी इकट्ठा करना और प्रेक्षण करने की उत्सुक होता है, चाहे वह उसकी निजी पसंद के प्रतिकूल हो। अगर वह समाजशास्त्री है तो वह उसके बारे में समाज के अध्ययन जब वो करेगा तो उसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध करेगा, उससे रिलेटेड जो भी उसको तथ्य मिलेंगे उनको वह इकट्ठा करेगा, वो भले ही उसकी निजी लाइफ से अलग हो।
इसको स्पष्ट करने के लिए पीटर वर्जन एक असामान्य लेकिन प्रभावकारी तुलना पेश करते हैं। क्या कहते हैं कि किसी राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में विरोधी बस के जासूसी तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को हथियाना काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन इसका कारण यही कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाएं पूर्वाग्रह से मुक्त होती हैं। यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारियों की विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है तो उसकी रिपोर्ट ना सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुपयोगी होगी बल्कि विरोधी पक्ष के लिए भी। यदि उसे हथियाना चाहे तो वह समाजशास्त्री भी काफ़ी काफ़ी मामलों में ऐसे ही जासूस है। उसका काम किसी भी निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना होगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई जासूस है और वो रिपोर्ट इकट्ठी करके ला रहा है, लेकिन वो अपना ये सोचे कि मैं ऐसी कोई रिपोर्ट इकट्ठी करूँ जो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो और मेरे जो साथी हैं या फिर मेरे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, तो इस तरीके से अगर वो रिपोर्ट लेकर आ रहा है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो उसके लिए उसका काम एक निश्चित क्षेत्र से अधिक अधिक उसका एक मेन काम क्या है कि वो जो भी रिपोर्ट लेकर आ रहा है वो शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना है जितना कि वह कर सकता है। ठीक है, तो इसका ये एक अर्थ निकलता है कि समाजशास्त्री के अपने अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में जाने और उस काम के प्रति जिसके लिए समाजशास्त्री जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। जैसे समाजशास्त्री है कोई और वो समाज के बारे में जब वो अध्ययन कर रहा है तो वह अपनी निजी स्वार्थ को यानी कि अपनी निजी आपके जो उसकी ज़रूरत है उनको एक साइड में रखकर सिर्फ शुद्ध परीक्षण करे जिसकी समाज को ज़रूरत है उसके बारे में जानकारियाँ जुटाए, और कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी समाज के एक नागरिक की होती है। लेकिन ये पूछताछ समाजशास्त्री पूछताछ की यह तो एक जीव विज्ञानी के जैव के ज्ञान की तरह है जिसका उपयोग या तो स्वस्थ करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि जीव विज्ञानी जो है इस जिम्मेदारी से मुक्त हो कि इसके लिए जिसके लिए वह कार्य कर रहा है, परंतु ये एक जैव की प्रश्न नहीं है। समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। समाजशास्त्र प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रक्षेपणों और दार्शनिक अनुचिंतनों या फिर ईश्वरवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्यविधियों से बंधा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जिन कथनों पर समाजशास्त्री पहुँचता है वह कथन साक्ष्य के निश्चित नियमों के प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त किए होने चाहिए। मान लीजिए समाजशास्त्र में भी आप जिस चीज़ का भी अध्ययन कर रहे हो तो वह भी विज्ञान से रिलेटेड है। विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान पे हम किसी चीज़ की खोज करते हैं तो वो तर्क जो है पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं और सही होते हैं। तो समाजशास्त्र में भी दूसरे व्यक्ति उनकी जांच कर सके, उनकी जानकारियों के विकास हेतु उन्हें दोहरा कर सके, तो समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान के अंतर पर और परिमाणात्मक और गुणात्मक अनुसंधानों के अंतर पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। अगर हम कहें कि लेकिन यहाँ तो आप बात प्रासंगिक है, समाजशास्त्र को अपने प्रक्षेपणों और विश्लेषणों में कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है जैसे कि वे दूसरों के द्वारा उसकी जांच की जा सके। मान लीजिए उसने जो भी काम किया है तो उसको ऐसा करना है कि दूसरे भी अगर उसके किए हुए काम की जांच करें तो वह पूरी तरीके से सही हो। अगले खंड में हम समाजशास्त्रीय ज्ञान और सामान्य बौद्धिक ज्ञान की तुलना करने जा रहे हैं जो एक बार फिर इस बात पर बल देगा कि समाजशास्त्र किस तरह से समाज का प्रेक्षण करता है, तो प्रक्रिया नियमों का कितना महत्व है। अब यहाँ पर जो है समाजशास्त्री क्या करते हैं, वे किस तरह समाज का अध्ययन करते हैं, वे किस तरह समाज का सामान्य बौद्धिक ज्ञान के बीच के अंतरों का विस्तृत वर्णन करते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आपका इसकी इकाई होगी ये 5 जिसमें हम जानेंगे समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। ठीक है, तो तब तक जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं ली है वो अपनी बुक को ले लेंगी और अपने काम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगी। ठीक है, आप देखिए अपना होमवर्क क्या करना है आपको। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक में आपकी थ्योरी से ही बनाए हैं और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये उससे रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ 4 क्वेश्चन है, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये टॉपिक वाइज आपको अपने चैप्टर में मिलेंगे क्योंकि आपका 12th है तो आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे अच्छे से तो आपको इनके आंसर सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आंसर जो है अपनी कॉपी में करेंगी। ओके, तो सारे बच्चे अपने काम को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।